गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट बीएमई चैप्टर नंबर 20। बहुत बड़ा चैप्टर है हमारा, है ना। आपने अगर पढ़ा होगा तो भी कितनी सारी डिटेल है, फिर कुछ अननोन वर्ड्स भी है जो अभी तक आपने कभी स्टडी नहीं किए थे। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि चैप्टर है हमारी कंट्री इंडिया के बारे में, तो हमें वो जानने की भी ईगर होती है हमारे अंदर, कि एक्साइटमेंट होता है कि क्या है हमारे देश में, कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, क्या क्या है, और इतने बड़े देश को एक साथ कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो वो भी हमको बताया कि किस तरह पार्ट में उसको स्टडी किया जाता है। ओके, तो प्रीवियस पीरियड में हमने ये लेसन के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे। हमने क्वेश्चन टू तक पहुँचे थे, फिर से एक बार क्वेश्चन टू हम कर लेते हैं। विच थ्री रेंजेस टूगेदर फॉर्म द हिमालयस। तो आंसर इज द हिमालयस हैज थ्री रेंजेस। नंबर वन द हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयस, हायर रेंज जिसको हम कहते हैं। सेकंड द हिमाचल और मिडल हिमालयस, जिसको हम मिडल रेंज कहते हैं। एंड थर्ड इज द शिवालिक और आउटर हिमालयस, जिसको हम लोअर रेंज कहते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन थ्री लिखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम वेयर एंड हाउ डू रिवर्स ओरिजिनेट इन द हिमालय, हिमालय में रिवर्स किस तरह से ओरिजिनेट होती है। तो रिवर्स सच एज गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलज स्टार्ट फ्रॉम द हिमाद्री, हिमाद्री से ये सारे रिवर्स स्टार्ट होती है। अब वो कैसे स्टार्ट होती है, तो दे स्टार्ट फ्रॉम मूविंग शीट्स ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर्स, जो बर्फ पिघलता है, बर्फ की शीट्स पिघलती है उसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। एज द ग्लेशियर्स मूव डाउन, ये जो ग्लेशियर्स है वो मूव डाउन नीचे आते हैं टू वार्मर रीजन, गर्मी की वजह से द आइस मेल्ट, बर्फ पिघलता है एंड रिवर फॉर्म, इस तरह से रिवर्स ओरिजिनेट होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स द नॉर्थन प्लेन्स बिकम सो फर्टाइल, नॉर्थन प्लेन है जो मैदान वो क्यों फर्टाइल है। तो अभी हमने नॉर्थन में जो रिवर्स ओरिजिनेट होती है हिमालय से उसके बारे में स्टडी किया, उसी से रिलेटेड उसी से एक स्टेप आगे हम बढ़ेंगे कि रिवर्स सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलज फ्लो थ्रू द नॉर्थन प्लेन्स। ओके, नॉर्थन प्लेन में से ही वो पसार होती है। अब वो पसार होती है तो क्या है कि वो पहले तो किस तरह से उड़े
they are fed by the melting snow of glaciers and therefore have water throughout the year. तो उसकी वजह से क्या है, वो melting snow से वो originate होती है, उसकी वजह से वो पूरे साल पानी उसमें रहता है. ओके, हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. कभी वो सूखती नहीं है, गर्मी में भी जो वो ग्लेशियर्स होते हैं, मेल्टिंग स्नो होता है, उसकी वजह से वो भर जाती है. रेनी सीजन में रेन की वजह से वो पानी उसमें रहता है, मतलब पूरे साल उसमें पानी रहता ही है. विच मेक सॉइल फर्टाइल. अब पानी ही है पूरी रिवर में, पूरे साल पानी है तो उसके आजू बाजू के प्लेन तो ऑब्वियसली फर्टाइल होंगे ही, क्योंकि हमें कुछ भी क्रॉप्स ग्रो करना हो तो हमें पानी की सबसे पहली जरूरत पानी की है. और यहाँ पर हरी भरी नदी पूरा साल बहती है तो सॉइल तो एकदम फर्टाइल होगी. ओके, फिर से आंसर समझ लेते हैं. रिवर सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलज फ्लो थ्रू आउट द नॉर्थन प्लेन्स. दे आर फेड बाय द मेल्टिंग स्नो ऑफ ग्लेशियर्स एंड देयरफॉर हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर विच मेक्स सॉइल फर्टाइल. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5.
क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय अ रिवर बेसिन? व्हाट डू यू मीन बाय अ रिवर बेसिन? रिवर बेसिन मतलब क्या? एंड व्हिच रिवर बेसिन मेक अप द नॉर्थन प्लेन्स? कौन से रिवर बेसिन नॉर्थन प्लेन में है? तो आंसर इज एन एरिया थ्रू व्हिच अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो। ऐसा एरिया जहाँ से रिवर और उसका ट्रिब्यूटरीज, मतलब ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमने स्टडी किया ना कि जो सी से रिवर मिलती है तो उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। एन एरिया थ्रू व्हिच अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो इज कॉल्ड अ रिवर इज कॉल्ड अ बेसिन। नाउ द नॉर्थन प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री बेसिन्स। तीन बेसिन्स हैं, कौन कौन से? द सतलज बेसिन, द गंगा बेसिन एंड द थर्ड इज द ब्रह्मपुत्रा बेसिन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सबके लॉन्ग आंसर है, अच्छे से लिखना नोटबुक में। बहुत इंटरेस्टिंग और मस्त आंसर है। डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट की क्लाइमेट एक्सप्लेन करो, कैसी होती है? द थार डेजर्ट हैज एक्सट्रीम क्लाइमेट।
During the summer, the sand heats up quickly in the sun during the day. So days are very hot. Okay? दिन में क्या होता है, समर सीजन की बात है कि समर में जब दिन में सन की एकदम गर्मी होती है तो वहाँ का टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है, बहुत गर्मी लगती है. सो डेज आर वेरी हॉट बट द सैंड कूल्स डाउन क्विकली एट नाइट, पर रात को सैंड ठंडी भी जल्दी हो जाती है. सो द नाइट्स बिकम कूल, तो रात को वहाँ पर ठंडक हो जाती है. और इन विंटर, ये सब समर के लिए होता है. इन विंटर द डेज आर प्लेजेंट, डेज कैसे होते हैं, बहुत खुशनुमा होते हैं डेज का एटमोसफियर. बट द नाइट्स आर वेरी कोल्ड, रात को विंटर में बहुत ही ठंड लगती है. ओके, अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिख देंगे हम. The last question of this lesson, question number 7. What is the advantage that India has become of long coastline? India का जो long coastal area है, दरिया किनारा, उसकी वजह से क्या फायदा होता है? Advantage मतलब फायदा, profit. तो answer is a long coastline is a great adventure. Sorry, adventure नहीं, advantage. बराबर लिखा है. A long coastline is a great advantage for India. Ships can be transport large quantities of goods into and out of the country. Ships
बहुत सारा सामान भर के शिप्स को हम दूसरी कंट्री भेज सकते हैं या दूसरी कंट्री से हमारे कंट्री में शिप्स आ सकते हैं, मतलब शिप्स ट्रांसपोर्टेशन का काम बहुत अच्छे से होता है। देयर इज अ नंबर ऑफ सी पोर्ट्स अलोंग द कोस्ट लाइन इन इंडिया। ओके, तो ये जो शिप्स का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस बहुत अच्छे से हो सकता है ड्यू टू लॉन्ग कोस्ट लाइन इन इंडिया। ठीक है, फिर से पूरा क्वेश्चन समझ ले। अ लॉन्ग कोस्ट लाइन इज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर इंडिया। शिप्स कैन बी ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब सामान, इन टू एंड आउट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया मंगवाते भी है और इंडिया से दूसरी कंट्री में भेजते भी है। There is a number of seaports along the coastline in India. So, बहुत सारे सी पोर्ट्स भी आए हुए हैं। ठीक है, तो आज हमने 7 तक क्वेश्चन आंसर का टॉपिक कंप्लीट कर दिया। तो हमारा ये लेसन आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने ये लेसन के चूज द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, नेम दीज, क्वेश्चन आंसर 1-2 लेके 7 तक सब लिख दिए। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको फिर से भी समझा दिया ताकि आपको लर्न करने में भी इजी रहे। और आपने देखा होगा कि जो 7 क्वेश्चन आंसर है, 7-7 बड़े हैं। ओके, अब 1-2 लाइन के नहीं है। जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ रहा है तो हमारे क्वेश्चन आंसर भी लॉन्ग आ रहे हैं। ओके, सो फ्रॉम नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टार्ट न्यू लेसन।